आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मिला है और मध्य प्रदेश में 1,14,00,000 से ज्यादा मजदूर सक्रिय हैं। तो कोरोना काल में मनरेगा योजना मजदूरों के लिए वरदान बनकर आई और 1,14,00,000 से ज्यादा मजदूर इस वक्त मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, जिसमें से 20,00,000 मजदूरों को हर रोज काम मिल रहा है। तो कोरोना काल में 59% मजदूरों को रोजगार दिया गया, मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मिला है और 59% मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी मनरेगा के तहत काम किया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अंकुर जी का रुख करते हैं। अंकुर जी, कुल मिलाकर मजदूरों के लिए मनरेगा योजना कोरोना काल में भी वरदान साबित हुई और अभी भी मजदूर इसी के तहत काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ मैं आपको बता दूं, कोरोना काल के चलते कई जो प्रवासी मजदूर थे या स्थानीय मजदूर थे, जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने घरों की ओर लौट आए हैं। ऐसे में रोजगार का उनके ऊपर संकट है, रोजी रोटी का संकट है, कैसे कमाएं कैसे खाएं। ऐसे में मनरेगा जो योजना है सरकार की, वह काफ़ी कारगर साबित हुई है। 1,00,000 से भी ज़्यादा जो मजदूर हैं उनको चिन्हित किया गया है। 20,00,000 मजदूरों को प्रतिदिन काम दिया जा रहा है मनरेगा योजना के तहत, वो काम करेंगे और सरकार के द्वारा उनको उनकी मजदूरी है उनको वो दी जाएगी। निश्चित तौर पर एक तरह से वरदान साबित हुई है। इसके लिए तमाम मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उनको काम दिया जा रहा है। 1,14,00,000 से भी ज़्यादा मजदूर हैं जिनको चिन्हित किया गया और 20,00,000 मजदूरों को प्रतिदिन काम दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार जो मजदूर हैं उन्हें रोजगार मिल रहा है मनरेगा योजना के तहत, जो कि उनके लिए वरदान बनी हुई है। और कोरोना काल में खास तौर पर प्रवासी मजदूर जो अपने घर लौटे थे उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के गांव में रोजगार मुहैया करवाने का काम सरकार ने किया है।